फर्स्ट टाइम मैंने आज दूर भी है क्या नहीं क्या बोला तूने? रबड़ी का बहुत ज्यादा मजा है, अभी इधर वेट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सही साहब, ऐसे हैं ठीक है? ड्राइवर साहब क्या हाल है? करना ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बारक में बहुत बहुत अल्लाह पाक का नसीब करे। आमीन आमीन। एक दुआ करियो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब हरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कोटला अरबली हाम में। ये गाड़ी जो आपने देखी है ये है जी जमशेद भाई की, इन्होंने न्यू ली है एवरी। तो बुकिंग के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। और मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। करते हैं आज का मज़ेदार इंटरेस्टिंग व्लॉग हम स्टार्ट। अंदर से लुकिंग कुछ इस तरह की है और इसके एवरी के जो गेयर है ना वो अमूमन इधर होते हैं और जो कार के वो तो इधर होते हैं। अंदर से गाड़ी कुछ इस तरह की है, सीटें वगैरह बड़ा इजी माहौल है, सीटिंग जो है ना बड़ी सॉफ्ट सीटें हैं। A few moments later. फाइनली हम पहुंच आए हैं। इधर से गाड़ी का काम वगैरह होगा। तो गाड़ी का थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो हमने सोचा कि इधर क्यों बैठना, दो बंदे इधर बैठे हुए हैं तो हम अपना काम थोड़ा बहुत कर लें। वो भी जा रहे हैं कोटला शहर में, थोड़ा सा काम रहता है वो खत्म करेंगे, फिर इधर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्या क्या हो गया और क्या क्या रहता है। गाड़ी तो उधर खड़ी कर दी और हम पैदल वॉक करते हुए अभी जा रहे हैं और हमने जाना है वो मीनार के पास। सही है भाई, तो स्पीटू स्पीटू से जा रहे हैं आगे आगे। गंडेरियाँ लेने लगे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो किलो किलो काट दो। तो चल चल के ना थक चुके हैं तकरीबन, आना जाना हमारा 4 किलोमीटर हम चले हैं तकरीबन, कभी चले नहीं ना तो इस वजह से जो है थकावट हो गई। अभी पसीना देख सकते हैं, गर्मी भी काफ़ी है आज। हमने गंडेरियाँ ली हैं और इनके जो है ना गंद जो होता है चूस के जब फेंकते हैं उनके लिए भी हमने शप लिए हुए हैं। तो हर बंदा ऐसे ही करे तो पाकिस्तान साफ सुथरा हो जाए। ऐसे हर बंदा अपना अपना जो है ना हिस्से से सफाई करता रहे ना तो हर चीज़ जो है ना साफ सुथरी रहे। हमारे यहाँ जो जो MD साहब उनका भी यही असूल है, जहाँ भी कोई भी चीज़ लेंगे कहेंगे दूसरा शप जरूर लो, ये गंद उसमें डालो उसमें डालो। आप भी ऐसा किया करें। गाड़ी का काम जोरों शोरों से हो रहा है जी। काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हमारे पास तो तब तक वीडियो एडिट करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद आपसे। एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है और 95% जो है ना अपलोड हो गई है वीडियो। हाँ जी, तकरीबन टाइम जो है ना 2:32 हो गए हैं। तो नमाज पढ़ी है इस मस्जिद में जोहर की, तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इधर हमें कोटला में काम करवाते हुए गाड़ी का। तो अभी नो आइडिया कि कितना टाइम मजीद लगेगा। गाड़ी का काम हो रहा है और हम पंखे के नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, वेट कर रहे हैं कि काम जल्दी से खत्म हो और फिर घर जाएं। हाँ जी, कैसा लगा मेरा मजाक? आज जो व्लॉग बनाया है ना अपलोड करना है उसकी सारी एडिटिंग जो है ना सफ़र में हुई है और ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग है जो मैंने सफ़र में बनाया है, जल्दी जल्दी में बनाया है। तो एडिट वगैरह इधर किया था हमने, सारा कुछ इधर बैठ के रेडी किया तो अपलोड किया मैंने। तो पता नहीं अब कैसा बना, आपको पसंद आता है या कोई नहीं। देखे नहीं शॉप पे कितना जो है ना रश पड़ा हुआ है हर चीज़ का। ये पीछे भी इन्होंने कपड़ा लगा के रखा हुआ है सामान और ये भी देखें हर चीज़ इधर ब्लैक 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 हुई है क्योंकि ये काम ही जो है ना ब्लैक के, हाथ पाँव कपड़े सब चीज़ फर्श भी देख लें, मेज़ भी हत्ता के देख लें बैठने के लिए जो है वो भी ब्लैक हो चुका है क्योंकि ऑयल वगैरह से ये हाथ वगैरह लगते हैं तो फिर जिससे टच होते हैं वो अपना रंग काला कर देता है। देखें गाड़ी के जंगले वगैरह लगे हैं तो सामने का जो भी काम था वो क्लियर हो चुका है। अब जो है ना पीछे लगे हुए हैं पिछले टायरों का काम जो है ना वो रहता था वो कर रहे हैं अभी।
5:55 पे हमारी गाड़ी का काम जो है ना रेडी हुआ है, अभी हम निकलने वाले हैं। और एमडी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। पांच ठीक है, अभी आए हम जी रबड़ी दूध पीने। समझ रहे हो, बड़ी मजा आया और गिलास खत्म ही नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम मैंने आज दूध पिया है। क्या मैं क्या बोला तूने? रबड़ी का बहुत ज्यादा मजा आया। अभी इधर वेट कर रहे हैं और तो सुबह 9 बजे का निकला हुआ हूँ, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है शाम का, तो घर में पहुँचा हूँ। अभी खाना खाना है तो खाना खाते हैं और फिर आपसे गपशप लगाते हैं। घर में लेट आए तो घर वाले खाना भी नहीं पूछते, खुद ही चेक करना पड़ता है कि आप क्या पड़ा हुआ है। ओ, गलत मत नहीं सोचना, पूछते हैं। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ खुद, आज देखें क्या क्या पका हुआ। बिस्मिल्लाह। माय फेवरेट डिश, आज तो पाए पके हुए हैं, मजे से खाते हैं। मुंह में पानी आ गया, मैं बोल ही नहीं पा रहा। बिस्मिल्लाह, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक दो बोटी से तो बनाने नहीं होता मेरा, क्योंकि माय फेवरेट डिश है। अभी के लिए इतना ही बहुत है, फिर अगर कभी गुंजाइश हुई तो फिर ले लेंगे। आज मैं कोटला चला गया, वरना मेरे माइंड में था कि मैं ना पाए लेके आऊँगा शॉप से, मुकम्मल खुद बना के सर्वाइव करूँगा, लेकिन ये वीडियो जो है ना मिस हो गई है मेरी। मैं कोटला में पूरा दिन रहा हूँ, मुझे था कि थोड़ा सा काम है जल्दी आ जाएगा, किस्मत में नहीं था। तो आज खाने के लिए किस्मत है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह आगे पड़ा हुआ है, तो खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा था। बिस्मिल्लाह। ओए होए होए, नरम नरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांड, मजा आया, फेवरेट है मेरा। खाने के बाद मिलते हैं फिर। आज शब्बे बरात की रात है, मुझे बताते हुए ये शर्म फील हो रही है कि हम मुसलमान हैं और आतिशबाजी हम कर रहे हैं। ज़रा हम सोचें कि ये जो रात है ना, खुशी की भी रात है और गमी की भी रात है। खुशी की रात इसलिए है कि इस रात में बहुत ज़्यादा लोगों की बख्शिश होनी है, और गम इसलिए है कि इस रात में भी कुछ लोगों की जो है ना मगफरत नहीं हो पाएगी। वो तीन लोग हैं, एक शिरक करने वाला, दूसरा नाफरमान माँ बाप का, और तीसरा हसद करने वाला। आज मैं घर में खड़ा हूँ तो कभी इधर से आवाज़ आ रही है, कभी इधर के पटाखे बजा रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा यार होना नहीं चाहिए। वैसे इबादत करें, दुआएं मांगें, इस रात में कुछ लोगों की ज़िंदगी लिखी जाएगी, बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी, कुछ की कट जाएगी, पता नहीं है अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप सबके लिए, हमारे लिए दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, लंबी ज़िंदगी दे, और आपके वालदैन को अगर ज़िंदा हैं तो लंबी ज़िंदगियाँ दे, खुशियाँ दे, अगर फोत हो गए हैं तो उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे लिए भी आपने खसूसी दुआएं करनी है आज। तो आज की वीडियो लंबी ना करते हुए इधर एंड करेंगे। सुबह के थके हुए हैं चल चल के, तो शाम जो है ना आए हैं घर, तो अभी रात हो चुकी है काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें लाजमी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओका फुर।